यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? उसे जाकर कहीं ढूंढते क्यों नहीं? मामा इतनी देर हो गई, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। लेकिन कहाँ पता लगा है? हम सब लोग उसका फोन ट्राई कर चुके हैं, उसका मोबाइल फोन ऑफ है। उसने भी तो वापस फोन नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। पता नहीं आशुतोष कहाँ चला गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से तो उसका कोई परिचित या नहीं है। वो था भी बड़ी जल्दी में, बताया तक नहीं कि कहाँ जा रहा है, कितनी देर लगेगी। बताया होता ना चाचू तो हमें से कोई उसके साथ चला जाता, लेकिन अरे उसे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे हम, हमें ये भी तो नहीं मालूम। मेरी बात समझो साहब, अब तो भाई को कोई फोन आ जाए तो पता चल जाए, हैं? नहीं तो इतने बड़े शहर में एक आदमी को कैसे ढूंढो जाए, है कि ना? ना है कि ना ऐसा? हेलो हेलो पापा, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। हाँ आशुतोष बेटे बोलो। बेटे तुम अचानक चले गए, क्या बात है? तब ठीक है ना, तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। नहीं पापा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अरे बेटे लेकिन सुनो तो सही, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हारे पास। कहाँ हो तुम, जगह तो बताओ। पापा मैंने कहा ना, काम को निपटाते ही मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके कहाँ से फोन था भैया? क्या हुआ? फोन तो उसके मोबाइल से ही था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कोई जरूरी काम है, काम निपटते ही आ जाएगा। ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है जी, मुझसे बात कराइए आप उसकी। क्या हुआ? आशुतोष ने अपना मोबाइल फिर से ऑफ कर दिया है। क्या?